तो भाई आप कैसे हैं? आवाज आ रहा है ना? ठीक ठाक। तो कहानी आज का नहीं है, तो कहानी है आज की। कहानी है तो कहानी कुछ ऐसा है कि तो 9 दिसंबर रात को मैं और हमारे कुछ बंधु लोग निकल पड़े केरला की ओर, केरला कोची। आज हम जा रहे हैं कोची, और जो हमारे साथ जो लोग जा रहे हैं वो हैं अफसोस। भाषाएं रंग रूप है जुदा जुदा, पर हमारी जुबान है एक, जुबा केसरी। बिमल बोलो जुबा केसरी। ऋतुराज भैया और पीछे दो आदमी, राणा हुसैन और अमित प्रधान, और आगे है हमारा सलीम भाई बाइक रेसर, और बाकी अंकिल भी है जो ड्राइवर है। अभी नहीं दिखा रहे हैं क्योंकि रोड पे ध्यान दे रहे हैं। मेरा जूता लेके भाग गया है वो। क्या है ना, जिंदगी में कुछ बनने की लालच में अपने आप को ही खो चले हैं। तो जीरा वाटर चेस गाइस। अगर लाइफ में मसाला नहीं हो ना तो मजा नहीं आता, इसलिए मसाला दूसरा खा रहे मसाला खाना। मॉर्निंग, इधर देख ले भाई, देख तेरे को कितना लोग देखने आए हैं। अभी सोच रहे कि बीच में जाएंगे, और बीच में जाने के लिए मस्ती होगा, तो मस्ती के लिए बहुत जरूरी है। वी आर रेडी फॉर गोइंग टू कोची बीच। अरे जल्दी करो रे, चलो 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 चलो।
पहले तो सोच के आए थे नहाएंगे, अभी ये पानी देखकर मूड चेंज हो गया। तो भैया आओ कभी इधर कोची फोर्ट बीच पे। यहाँ पे एक भी बस नहीं मिल रहा है होटल जाने के लिए। 2 किलोमीटर वहाँ से पैदल ही आ गए। होटल में पहुंचने के बाद हम जल्द से जल्द वहां पर रेडी होकर निकल गए अपनी इवेंट की तरफ। तो लगभग 11:30 या 12 बजे तक इवेंट चला, उसके बाद हम गए वहां से होटल की तरफ। उससे पहले हम गए डिनर करने के लिए। लगभग 1 बजे हम अपना डिनर ख़त्म किया। डिनर ख़त्म करने के बाद अपने होटल पहुंचे। होटल से पहुंचने के बाद वहां से बैग लेकर निकल पड़े अपनी घर की तरफ बेंगलुरु। जर्नी के बाद अभी हम पहुंचे, अब नहाएंगे फ्रेश होकर मस्त सोएंगे। तो यही तक था आज का कहानी, फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। अगर लाइफ में ना रैंडम एक वर्क हो जाए ना, मतलब सर्कल वाइज, सुबह उठो खाओ पियो कॉलेज जाओ, कॉलेज से आके फिर खाओ पियो सो जाओ, यही अगर हर दिन चले ना तो आदमी पागल हो जाएगा। तो इसलिए कुछ लिखा था मैंने कि खुद को ही जीने की जिद है मेरी, मुझे खुद को ही हराना है, मैं भीड़ नहीं हूँ इस दुनिया की, मेरे अंदर ही जमाना है।